हेलो एवरीबडी वेलकम बैक विथ ए न्यू वीडियो गाइज अगर आप एक ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो डाउट आता है कन्फ्यूजन आता है वो इसी चीज को लेके आता है कि मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है हमें कौन सी चूज करनी चाहिए तो यार इसी को मैं एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहूंगा जब एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम लेने जाता है तो उसके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन होते हैं मतलब जब वो आइसक्रीम पार्लर में पहुंचेगा ना बहुत सारे आइसक्रीम्स उसको दिखेंगे अपने सामने लेकिन यार उसे नहीं पता कौन सा आइसक्रीम कौन से फ्लेवर का है या उसे कौन सा आइसक्रीम तो ना से पूछता है, क्या कि मुझे जो है तो फिल्टर कर देगा वो बोलेगा ये जो आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की है ये जो आइसक्रीम है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है ये चॉकलेट की है तो जो बच्चा होगा ना उसके डाउट्स टोटली कंप्लीट जो है खत्म तो नहीं होंगे लेकिन कुछ तक फिल्टर हो जाएंगे कि यार मुझे शायद चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या अच्छा लगेगा तो मैं ये ले लेता हूं तो उसी तरीके से ना मैं जो एप्लीकेशन का आपको रिव्यू देता हूं ना बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि यार ये बहुत का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका है तो हम कौन सी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करें तो यार ऐसा मत सोचो कि मैं जो है सारी एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूं इसका मतलब आपको हर एक एप्लीकेशन में ही इन्वेस्ट करना है मतलब यार मार्केट में जितनी सारी एप्लीकेशन है ना मेरा काम है आप लोगों तक उनको पहुंचाना कि किस तरीके की सर्विसेज या यूनिक सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हर एक एप्लीकेशन जब ट में आती है ना तो किसी ना किसी यूनिक स्पेसिफिकेशन के साथ आती है मतलब तो कुछ ना कुछ अलग फीचर होता है तो यार उसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है कुछ ऐसी चीजें जो मुझे काफी अच्छी लगी और कुछ ऐसी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी सारे के सारे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं अगर आपने लाइक कॉमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो कर दो उसके बाद आगे वीडियो देख लेना टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना चैनल पे फर्स्ट टाइम हो क्रिप्टो फिक्स टाइम ट्रेडिंग एंड फॉरिक्स रिगार्ड

यूजर बेस है जो कि ठीक ठाक है एवरेज है तो इस एप्लीकेशन को अभी ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा जी हाँ आपको मिलेगा लॉगिन एंड साइनअप का ऑप्शन तो साइनअप काफ़ी इजी है मतलब छोटे से स्टेप्स में आपको साइनअप हो जाएगा और लॉगिन की बात करता हूँ जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक मोबाइल लॉक डालना पड़ेगा मतलब इसमें मतलब एक लॉक सिस्टम है जैसे कि आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक लॉक लगा के रखते हो चाहे आपका स्क्रीन लॉक हो तो सिक्योरिटी के मामले में जो मेरा कहने का मतलब था मैंने आपको क्यों ये लॉक वाली बात बताई क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में एक नेक्स्ट लेवल इस एप्लीकेशन का है और वो भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे क्यों तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो वॉचलिस्ट का ये पेज आपके सामने खुल के आ जाता है और अब यहां पे आपको स्टॉक्स में फ्यूचर में यहां पे देख सकते हैं आप सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और वॉचलिस्ट के नीचे देखेंगे आप चार और ऑप्शन है बटन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है और किस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं ऊपर देखेंगे आप प्लस का एक निशान आपको मिल जाता है कोई भी प्लेलिस्ट आप क्लिक जो है वॉचलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं वॉचलिस्ट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए वॉच लिस्ट का मतलब होता है हम अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको फेवरेट में ऐड करते हैं मतलब आसान भाषा में आपको समझाता हूं जब हम किसी म्यूजिक uh, कंपनी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है गाना हो गाना uh, या सावन डॉट कॉम तो वहां पर जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है फेवरेट में ऐड करने का और फेवरेट में ऐड करने के बाद हम अपने फेवरेट वाले गाने डायरेक्टली उस फेवरेट वाले मेन्यू में जाकर

The cat sat on the मतलब ट्रैक कर सकते हो मतलब आपकी अभी जो करंट पोजिशंस चल रही हैं उनकी स्टेटस चेक कर सकते हो और आप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हो इसके बाद आप एक स्क्वायर का ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे ही इसे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कूल कूल फीचर्स देखने को जरूर मिलेंगे सपोर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है तो यार मैं कहूंगा एवरेज सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं ना कि ज्यादा अच्छा और ना ही ज्यादा बुरा नोटिस बोर्ड पर यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग मार्केट चेक कर सकते हो माई अकाउंट में आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड लॉग इन मिल जाती है और ट्रेडिंग व्यू विजिट्स में आपको जो है रिलेटेड इन्फो मिल जाती है ट्रेडिंग व्यू का आपको मैंने रिव्यू पहले ही किया हुआ है तो आपको पता ही होगा बाकी आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सबसे लास्ट में एक प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऐड और विद्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है मतलब फंड्स का ऊपर सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि नॉर्मल सेटिंग्स है अकाउंट्स के लिए और प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल वाली सेटिंग्स मिल जाती है मतलब यूजर नेम चेंज करना है एन वगैरह वगैरह तो सेटिंग्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट ऑर्डर ऑर्डर टाइप वैलिडिटी और सिंपल लॉग टाइप आप चेंज कर सकते हो अब आप मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ डायरेक्टली तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे किसी भी जैसे मैं अभी एक्सिस बैंक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं वो हम देखते हैं पहली बात एक और बात बता देता हूं कि यहां पे काफी ज्यादा फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं दूसरी चीज और कि यहां पे ये यह जो एप्लीकेशन है ये आपको वेब की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जी हाँ मतलब इसको आप डेस्कटॉप वर्जन पे भी यूज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को और वेब पे भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल में यूज कर रहा हूं तो आप भी सिर्फ मोबाइल में कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा वैसे आप इसे यूज कर सकते हो मोबाइल में मैं क्यों यूज कर रहा हूं क्योंकि दस में से आठ यूजर्स होते हैं जो मतलब ईजी एक्सेस चाहते हैं कि भाई कभी भी कहीं से भी मैं ऑर्डर को क्लोज कर दूँ ऑर्डर को ओपन कर दू है ना तो भाई इसीलिए मोबाइल ज्यादातर यूज करते हैं अब इसके चार्ट को देखते हैं तो यहां पे बॉलेंजर बैन की ऑटोमेटिकली जो स्ट्रैटी है वो अप्लाइड है और और यहां पे आप देखेंगे ई ईमए बी वॉल्यूम और सुपर ट्रेंड का भी सेक्शन दिया हुआ है दूसरी जो तो चीज़ है अगर मैं ऊपर जाता हूं इंडिकेटर सेक्शन में तो मुझे यहाँ पे पैंसठ से ज्यादा इंडिकेटर मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ से टैंपलेट भी मिल जाते हैं मुझे यहाँ पे ड्राइंग टूल का ऑप्शन भी मिल जाता है और अगर मैं बात करता हूँ कैंडल्स में तो यहाँ पे मुझे लाइन एरिया और कैंडल्स और बार का ऑप्शन मिल जाता है बेस लाइन का भी ऑप्शन है यहाँ पे और सबसे अच्छी बात है रैंको कन्फर्मेशन इंडिकेटर इन है जो कि आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो मैंने आपको बोला था प्रो और के बारे में तो यहां पॉइंट साबित हो सकता है इस ऐप के लिए यानी इस प्लेटफॉर्म के लिए क्योंकि हालांकि मुझे जहां तक कि पता था कि किसी भी एप्लीकेशन में एम टी फोर प्लेटफॉर्म को अगर छोड़ देते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन में ये रैंक को कंफर्मेशन वाला इंडिकेटर इनबिल्ट नहीं दिया होता है तो ये काफी अच्छी बात है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चार्ट पे ही मिल जाती है, जो कि और अच्छी बात है जो होती ना, ताम वो नहीं है, और इजी टू लोड है मतलब यहां पे आप मल्टी परफॉर्म कर सकते हो मतलब अगर आपको मिनिमाइज करके कुछ और ओपन करना है ना तो ईजी टू लोड होगा मतलब आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी जो अगर आप मिनिमाइज कर देते हो तो दो या एक सेकंड का एक दो तीन सेकंड का डिले हो जाता है चार्ट को लोड होने में जो कि काफी डिफरेंस डाल देता है कई बार तो यही चीज इस एप्लीकेशन के साथ नहीं है क्योंकि इनका इंटरफेस मुझे काफी सिंपल लगा जो कि मुझे इसकी एक कॉन वाली बात लगी मतलब एक अच्छी बात नहीं है मतलब काफी सिंपल सा इंटरफेस है लेकिन अगर मैं इस इंटरफेस सिंपल होने की वजह देखूं तो वो ये है डेफिनेटली कि ये लोग आपको इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे जहां पे थोड़ा आसानी से और बहुत जल्दी लोड हो ठीक है और इनकी सबसे अच्छी बात है इनकी भैया डिलीवरी चार्जेस यहां पे पे आपको नहीं पे करने पड़ते मतलब मुफ्त है अगर आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो हर एक ऑर्डर के पीछे आपको 20 देने पड़ते हैं जो, है जो कि है जीरो पॉइंट जीरो बहुत छोटी सी अमाउंट है तो आ, मतलब हर एक ऑर्डर पे इतना तो देना ही पड़ेगा और अगर आप कोई ऑर्डर सेल करते हो बाय करते हो मॉडिफाई करते हो तो यहां पे दो कंडीशन है या तो आप हंड्रेड दो या फिर इसका दो देना पड़ेगा मतलब अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दो परसेंट हंड्रेड रुपीज से कम है तो आपको वो देना पड़ेगा और अगर हंड्रेड रुपीज कम है बाकी यार सिक्योरिटी के मामले मैंने आपको कहा था आगे चल के बताऊंगा तो यार इनकी जो सिक्योरिटी है ना वो वन ऑफ सिक्योरिटी जो सिस्टम है उससे टेस्टेड की गई है तो काफी अच्छी है तो यार डेटा का टेंशन नहीं है तो क्या मुझे लगता है उम्मीद करता हूं इसका कंप्लीट रिव्यू आपको मिल गया होगा और अगर इसे यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये सारा आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी थॉट्स और अगर आप चाहते थे इस एप्लीकेशन का रिव्यू तो आपको मिल गया होगा और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं चलिए इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना एंड एक और बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना सब्सक्राइब कर देना और एक्साइटिंग कॉन्टेंट के लिए and thank you so much for watching this video till the end.